वेलकम टू मीम रिव्यू पार्ट 11, जिसमें आज हम लोग देखने वाले फिर से अमेजिंग से मीम्स। तो अगर जो भी चैनल पे ना सब्सक्राइब कर देना। तो स्टार्ट करते रॉकस्टार मूवी डिलीटेड सीन। ठीक है, गुटखा खाते हो? तुमने गुटखा खाया? नहीं तो। अरे गारंटी तुमने गुटखा खाया? नहीं नहीं खाया भाई। तुमने पक्का इस रुपए वाला गुटखा खाया? गुटखे की मैं अच्छे से जानता हूँ, पापा भी यही खाते हैं। नहीं खाया तो। पक्का विमल खाए होंगे रणवीर भाई ने। आलिया को हमने कहीं बोलते सुना कि ये सबसे पहले किसी चीज से अट्रैक्ट होती है तो वो होती है स्मेल। So, अगर कोई आपको लड़का प्रपोज करता है तो आप क्या बोलती हैं? सोच के बताऊंगी कि सूंघ के बताऊंगी? जो भी प्रपोज करेगा आई एम श्योर मैंने ऑलरेडी सूंघा ही होगा। सूंघ के पता कर लेती है आलिया भट्ट। इंडोनेशिया में अगर आपको थैंक यू कहना होगा ना तो आपको जो है ना गालियां निकालनी पड़ेगी। क्या बात कर रहे हैं? जैसे कि थैंक यू अगर आपको कहना है तो आपको कहना पड़ेगा तेरी माँ कसी। दो तीन गालियां भी देते भाई उसको थैंक यू वेलकम सब लगेगा। हीरो स्प्लेंडर एलईडी लगा दी भाई, स्क्रीन लगा दी भाई। ये होती है स्मार्ट बाइक भाई, बिना फालतू के तुम लाखों लाखों खर्च करते हो भाई। ये देख लो इंजीनियर हमारे इंडिया में बहुत टैलेंट है गाइस। हुआ था आई वाज चलते चलते बाइक पे और ट्रैफिक हिंदी बोल रहा भाई है एक कंडक्टर बस में। He was like he was trying to irritate me. I don't know why he was shouting hey hey ये वो ये वो ये वो ये वो। भाई हिंदी बढ़िया है यार इसकी। मैं भाई पे बैठा हूँ फिर बोला क्या हे कालू। ऐसे में घूम के देखा कि तेरी तुम्हारी माँ कौन कालू। कोई भी फॉरेनर सबसे पहले हिंदी सीखता है तो गाली क्यों सीखता है। डिवाइन मुझे नहीं पता ये आने वाला था, सारा मूड खराब कर दिया, सुनना ही नहीं मुझे अब। ऐसा लग रहा था भाई कोई बाथरूम में गा रहा है। और कोई अनलॉक कर दे अपनी दिमागी क्षमता का 100%। 100% 100% तो अनलॉक कर दे तो दिमागी क्षमता का। कार में बैठा भाई ठोक क्यों रहा है कार लो। गाड़ी को बिठा ये यार ये। The next day. What? वो मुझे एक बात बताओ, उसने आगे से भी ठोकी पीछे से भी ठोकी हाथी को भी बिठा दिया फिर भी वो कार चपट कैसे नहीं हुई। हेलो अरे चल गाड़ी पे बैठ। अरे वो ये 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 यहाँ बैठना है। ये खटारा मुझे क्या लगा तू ये तुम्हारी कार है। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, तुम भिखारी निकले। मैं नहीं जाऊंगी। मैं मजाक कर रहा था, कार ही है मेरे पास। तू निकल। बेबी बेबी मैं तो मजाक कर रही थी। मजाक कर रही थी सच्ची? हाँ मजाक कर रही थी। आजा भाई की मैं मजाक कर रहा था। भाई ने बहुत बड़ा गेम खेल लिया दीदी के साथ। प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ। प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश से है और लहसुन की उत्पत्ति कुत्ते के नख से। प्याज को कैसे जन्म दे दिया भाई कुत्ते ने। नानो कौन सा सॉन्ग सुन रहे हो? नानो कौन सा सॉन्ग सुन रहे भाई, पिछले बार में तो पार्टी सुन रहे थे। शिशु का तू मेरी हूँ मैं तेरा नोबिता, मोदी जी अफ्रीका से ले आए हैं चीता, बदल रिसनीत संपूर्ण वीता, जीने का मन नहीं है फिर भी हूँ जीता, विटामिन सी की कमी खाऊंगा पपीता, ये सुनने से अच्छा है तुम पढ़ लो भगवत गीता। ये सुनने से अच्छा है बोले पढ़ लो भगवत गीता, वैसे सही तो बोल रहा है यार। ये जो तू 10 रुपए की सिगरेट पी रहा है ये नहीं कि वहाँ पे वो जो लाचार बच्चा बैठा है उसको दे दे, उसका भी भला हो जाएगा और सही बात है कैंसर से बच जाएगा। तो बैठ के कमाया मैंने। भाई बोलता है वहीं से बैठ के कमाया मैंने और सिगरेट लिए, तू साले मेरे को मत सिखाए। आप अलाउड नहीं अंदर। ओके क्या डाल के आ रहा है भाई? हो गया ठीक है कुछ तो लेकर आ रहा है। ऐसा दोस्त हो तो दुश्मन की भी क्या जरूरत। वो भी सोच रहा हूँ साले ने फंसा दिया। हेलो कैसा है भाई? कैसा है? कॉल रिकॉर्डिंग चालू है। मैं सुना भाई तेरा दादाजी मर गया। हाँ बुरा लगा भाई सुन के। अरे कोई नहीं भाई, अब तो तू गंजा हो जाएगा। हाँ वो तो वहाँ ही पड़ता है यार। पड़ता हमारे यहाँ पे तो
भाई तो मैं कह रहा हूँ अब गंजा हो ही जाएगा, जो उसके बाद जो तेरे पे हेयर ड्रायर है वो मेरे को दे दे, मेरा खराब हो गया है। भाई ने क्या आइडिया से कॉल किया ना, घुमा के बात कर कंफर्म कर लिया पहले कि हाँ भाई इसमें सही में टकला करेगा, अभी इसका ट्रिमर का कोई जरूरत नहीं, उसको वो मेरे को दे देंगे, उसके पास चारा तो ही नहीं। क्या बोल रहा हूँ मैं, वीडियो को एंड करते हैं गाइस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, पीस आउट।